किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूं अपने मजार का। पीछे के जरा ये दृश्य देखिए और हालात की कल्पना कीजिए। अपने परिवार के मृतक को ले जाने के लिए 21वीं सदी के गांव के ये हालात हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की तहसील बिलसी के ग्राम अंबियापुर की ये तस्वीरें प्रधान सचिव और आला अधिकारियों के निकम्मेपन का वो नंगा सच है जो आपको जरूर देखना चाहिए। मामूली सी बरसात में ये हालात बताने को काफी हैं कि मेरा देश बदल रहा है। जहां जल भराव की समस्या से आप निजात नहीं दिला सकते, वहां के बड़े बड़े नेता ये बता रहे हैं कि -280 डिग्री सेल्सियस तापमान में ठंड पर चांद पर ये साहब बस्ती बसाएंगे। समझ रहे हैं आप आखिर में सच है क्या मामला है? मामला का यहाँ प्रधान ने कुछ करा ही नहीं है। पानी भर जाता है, बारिश होती है तब तालाब का भी पानी वापस आ जाता है। तो दिक्कत क्या हुई आज? दिक्कत का अब एक मौत हो गई, निकलने को बिस्तना आधे रिश्तेदार रोड पर खड़े हैं। तो गुड्डू नाम है मेरा। क्या मामला है? मामला ये घटना हो गई थी कल, लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ कहो रोड बनवा दें, कोई सुनता नहीं है हमारी। प्रधान से बोलो, किसी से बोलो, नहीं सुन रहे हैं यार। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, राशन पानी हर एक चीज़ की दिक्कत आ रही है यहाँ पर। कब से पानी भरा हुआ है ये पानी? है दो महीना हो गए। दो महीने से बड़ी दिक्कत आ रही है, उसके बाद भी फिर भी रास्ता नहीं है सही है। हाँ ये अमियापुर जी। नाम नेत्रपाल है साहब। क्या मामला है? अरे साहब कल से एक मौत हो गई यहाँ पर, और ले जाने को ना कोई सवारी है और ना पानी भर भर हुआ घुटगन घुटगन। सब बच्चे बच्चे गिर गिर के मर जा रहे हैं यहाँ में पानी के मारे, और कोई निकास नहीं, और किसी से क्यों तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और प्रधान तक क्यों तो प्रधान कह देता है तुमने हमें वोट नहीं दिए, हम तुम्हें गड्ढा में डूबो तो तलिया में डूबो। कहाँ की बात है ये? अंबियापुर ब्लॉक के पास में।